पुरुषोत्तम माह क्या है, अधिक मास क्या है, बताओ ये पुरुषोत्तम माह क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया था बताओ, ये पुरुषोत्तम माह किसके लिए बनाया गया था, किसने बनाया था, कैसे बनता है यह महीना, क्यों बना, किसने बनाया, आज हम पुरुषोत्तम माह के बारे में आपको समझाएंगे। सबसे पहले इस माह को सबसे पहला जब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं, तब भगवान ने 13वां महीना बनाया और हिरण्यकश्यप को इसी महीने में मारा था, जिसे पुरुषोत्तम महीना कहते हैं, पुरुषोत्तम माह। और ये कैसे बना, आप लोगों ने कभी सुना होगा कि कई बार तिथि की हानि हो जाती है, जैसे एकादशी के बाद ना डायरेक्ट त्रयोदशी आ जाती है, सप्तमी के बाद सीधा नवमी आ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि तिथि की हानि हो जाती है, कई बार दो एकादशी होती हैं, तो कई बार तिथि की हानि भी होती है। तो जब एक तिथि की हानि होती है, कई बार एक तिथि केवल एक घंटे के लिए आती है या 5 घंटे के लिए आती है, तो जब तिथि की हानि होती है तो वो तिथियां निकाल ली जाती हैं, और वो निकाल करके 3 वर्ष में 1 वर्ष वो सारी तिथियां जोड़ दी जाती हैं, तो वो जो छोटी थोड़ी 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 तिथि रोज की निकाली गई थी उसका 1 महीना तैयार हो जाता है, और उसी महीने को पुरुषोत्तम माह कहते हैं।